हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ क्लास 8। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां क्लिक कर आप क्लास 8 के ऑल वीडियोज वन बाय वन देख सकते हैं। तो यहां हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमें क्यूब रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो फर्स्ट नंबर में है हमारा 1, 2, 1, 6, 7। तो क्लियर है कि पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो पहले वो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 1, 6, 7 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा छोटे नंबर से नहीं जाएगा, है ना। 3 से अगर हम लेते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर ढूंढना होगा। तो यहाँ पे 7 लास्ट में आ रहा है, तो 7 जब लास्ट में आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये 3 होना चाहिए यूनिट प्लेस में। ऐसे नंबर हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेंगे जो जिसके यूनिट प्लेस में 3 हो। क्लियर, तो 3 से नहीं जा रहा, तो आगे हम 3 के बाद देखेंगे 13 से, तो 13 से भी ये नहीं जाएगा। तो ये हमारा जाता है 23 से, है ना। ये चेक करने का तरीका है, अगर यूनिट प्लेस में 7 है, बड़ा नंबर है, 3 से नहीं जा रहा है, तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप 3 की लाइन लेकर चलेंगे ना। 3, 13, 23, 33, 43 ऐसे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 13 से भी नहीं जाएगा, 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 23। अब 23 से 1, 2, 1, 6, 7 को डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 529। अगेन 23 ये डिवाइड करेंगे तो 23 आ गया। नाउ 23 1 जा 23। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा 23 का ये ग्रुप बन रहा है, क्यूब बन रहा है। क्यूब रूट में हमने सीखा है ना, 3 3 का हम ग्रुप लेते हैं ट्रिपलेट्स में। ठीक है, स्क्वायर में 2 का ग्रुपिंग होता है एंड क्यूब में 3 का ग्रुपिंग। तो देखिए 23 23 23, 3 का ग्रुपिंग है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 1, 2, 1, 6, 7 इज इक्वल टू, तो क्यूब रूट हमारा क्या है, 23 इंटू 23 इंटू 23। रूट के अंदर लिख लेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो हमने 3 लिखा है, 3 लिखा है ना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 3 नहीं लिखते हो ना, जैसे ऐसे बना करके इसमें आप नंबर लिख रहे हो, कोई भी नंबर, है ना, मान लीजिए यही नंबर यहाँ पे 1, 2, 1, 6, 7, अगर हम ऐसे लिख देते तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2, 1, 6, 7 का। बट हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब जब भी क्यूब की बात होगी तो ये रूट बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 ज़रूर लिखेंगे, अगर आप 3 नहीं लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, तो हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। अब इस 1, 2, 1, 6, 7 का क्यूब रूट क्या हो गया, तो ये लिख लिया 23 इंटू 23 इंटू 23, 3 times 23 आया है। एंड जब हम ये रूट बनाए हैं तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1, 2, 1, 6, 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको याद होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर वाले में ग्रुपिंग में से 2 के ग्रुपिंग में से 1 बाहर आता है, है ना। यहाँ पे हम क्यूब में 3 का ग्रुपिंग लेते हैं, या दैट मीन्स कि 3 के ग्रुपिंग में से 1 नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, ये 23 इज द आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 1, 2, 1, 6 एंड 7 का क्या हो जाएगा, 23। दैट मीन्स 23 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 2, 1, 6, 7। क्लियर, नाउ इट्स सब पार्ट 2 इज 35937। तो इसका प्राइम फैक्टर ले लेंगे पहले, तो यहाँ लिख लेते 35937। अब देखिए एंड में 7 है, तो दैट मीन्स 3 के नंबर से हमें लेने हैं, तो ये हमारा ओनली डायरेक्ट 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो पहले 3 से कर लेंगे, तो 3 1 जार 3 1 जार 3 9 जार 3 7 जार एंड 3 9 जार। अगेन 3 ये हो गया, 3 3 जार 3 9 जार 3 9 जार एंड 3 3 जार। अगेन 3 से लेंगे, तो 3 1 जार 3 3 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार। अब ये 11 की टेबल से जाएगा, 11 1 जार 11 2 जार एंड 11 1 जार, एंड 121 है तो निश्चित है 11 से हो जाएगा, एंड 11 1 जार 11। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 3 की ग्रुपिंग हो गई, 3 3 ट्रिपलेट बन गया है, ये 11 का ट्रिपलेट हमारा है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 35937 इज इक्वल टू क्यूब रूट, यहाँ 3 ले लेंगे एंड ये पेयर यहाँ लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
11 इंटू 11 इंटू 11, ये प्राइम फैक्टर हमने लिख लिया यहाँ पे, तो इस कल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये तीन का ग्रुपिंग ग्रुपिंग में है, तो एक एक बाहर आ गया, यानी कि 3 इंटू 11 इज इक्वल टू 33 इज द आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 35937 का 33 आंसर हमारा हो गया, यानी कि 33 इंटू 33 इंटू 33 हम करते हैं तो हमारा 35937 रिजल्ट आ जाता है। क्लियर। नाउ सब पार्ट 3 इज 42875, इसका प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ पे निकाल लिया। एंड में देखिए 5 है तो 5 से चला जाएगा डिवाइड, तो 5 से करेंगे तो 8575, अगेन 5, 1715, अगेन 5, 343, 749, 774 एंड 714। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 5 का ट्रिपलेट है एंड ये 7 का ट्रिपलेट आ रहा है ना, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 42875 इज इक्वल टू, क्यूब रूट बना लेंगे, यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है एंड ये 5 का ट्रिपलेट है, तो इसे हम डायरेक्ट 5 का क्यूब इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम 7 है, तो इसे हम 7 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसका टू क्या हो जाएगा, तब रूट हट जाएगा हमारा, तो इस 5 क्यूब 3 5 है, इसमें से 1 5 बाहर इंटू 7 क्यूब में से 1 7 ले लेंगे, तो इसका टू क्या हो गया, 35 इज द आंसर। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 4287 इज इक्वल टू 35। क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज 21952, तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे नोट डाउन करने से अच्छा है कि आप खुद से करो, जब आप खुद से प्रैक्टिस बहुत सारा करोगे ना, बार बार आप ये करोगे प्रैक्टिस, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में। तो सबसे अच्छा है कि आप खुद से निकाल लो, हाँ बाद में आप इनसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम 2 से ले रहे हैं, 2 से हमने किया डिवाइड, तो देख लीजिए 2, तभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ट्रिपलेट देख लेते हैं, किसका किसका ट्रिपलेट बन रहा है। तो देखिए ये 2, ये 3 का 3 2 हो गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, ये हमारा 2 सेकेंड ट्रिपलेट बन रहा है एंड ये 3 टाइम 7 है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने लिख लिया, क्यूब रूट ऑफ 21952 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर क्यू, है ना, 2 3 टाइम्स में है, तो इसे हम 2 का पावर क्यू लिख सकते हैं, इंटू अगेन 2 का पावर क्यू इंटू ये 7 3 टाइम्स में है, तो हमने लिख लिया 7 का पावर क्यू, तो इक्वल टू करेंगे तो एक एक बाहर आ जाएगा, तो 2 का पावर क्यू में से एक 2 बाहर आ गया इंटू, फिर इसमें से एक 2 इंटू 1 7 ले लेंगे। अब इन सबको इंटू कर लीजिए, 2 2 4 4 7 28 इज द आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 21952 इक्वल टू 28 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ सब पार्ट 5 इज 373248, यहाँ पे मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो इसमें ग्रुपिंग देख लीजिए, तो देख रहे हैं हम क्या, यहाँ 2 ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, नेक्स्ट ये ट्रिपलेट हो गया सेकेंड ट्रिपलेट, ये हमारा थर्ड ट्रिपलेट एंड यहाँ 3 का बन रहा है, 3 का क्यू, ये एक ग्रुप हो गया 3 का एंड यहाँ पे 27 आ रहा है, इसी स्पेस नहीं होने के कारण 27 मैं यहाँ लिख कर यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर की हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक 3 का ट्रिपलेट हम देख रहे हैं और इसी तरह से ये एक 3 का ट्रिपलेट बन गया। क्लियर, तो इसे आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। ऐसे मेरे आइडिया यही आपके लिए कि आप इसे खुद से करो। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 373248 इज इक्वल टू क्यूब रूट, अब इस पर हम ग्रुपिंग लिख लेते हैं, तो 2 का 3 ग्रुपिंग बन रहा है, तो लिखेंगे 2 पे पावर क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 3 का क्यू इंटू 3 का क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस 2 में से एक 2 बाहर इंटू, फिर इस 2 में से एक 2 इंटू, ये 2 के पावर क्यू में से एक 2 लेंगे इंटू 3 इंटू 3, अब इन सबको इंटू कर लीजिए, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 and 24 3 72 इज द आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 373248 इज इक्वल टू 72 हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 6 इज 32768, यहाँ पे इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो देखिए सारा हमारा 2 से ही जा रहा है पूरा, है ना, यहाँ पे 512 नीचे स्पेस कम है, तो इसी 512 को मैंने फिर से यहाँ लिख लिया एंड यहाँ अगेन हम डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, तो ग्रुपिंग देख लेते हैं इसमें कितना ग्रुपिंग आ रहा है, ये फर्स्ट ग्रुपिंग हो गया 2 का, सेकेंड ग्रुपिंग, ये हमारा थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुपिंग, यानी कि 2 का ग्रुपिंग कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे
क्यूब रूट ऑफ 3276 इज इक्वल टू क्यूब रूट ले लेंगे एंड इसके अंदर हम लिख लेंगे 2 पर पावर क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू। ठीक है, ये हमारा अलग है। तो देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स ग्रुपिंग हमारा बन रहा है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 5 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन सबको इंटू कर लीजिए तो ये हमारा आ जाता है 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32। तो 32 इज द आंसर, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 इज इक्वल टू 32 इज द आंसर। क्लियर। सब पार्ट 7 इज 2 6 2 1 4 4। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया है तो वो देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, है ना, 2 6 2 1 4 4, ये सारे ही हमारे 2 से जा रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है हमारा 64, इसी 64 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देन यहाँ पे हमने फिर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ किया है आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो अब इसका हम ग्रुपिंग देख लेते हैं कि ग्रुपिंग क्या बन रहा है, कितने ग्रुपिंग आ रहे हैं। तो देखिए ये एक फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुपिंग बन रहा है हमारा, फोर्थ ग्रुप, यहाँ पे फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। ठीक है, तो 2 का हमें 6 ग्रुप बन रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया क्यूब रूट ऑफ 2 6 2 1 4 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू एंड 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 6 ग्रुपिंग है, यानी कि 6 टाइम 2 लिखने हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 4 3 5 एंड ये 6 इज इक्वल टू। अब इन सारे 2 को आपस में इंटू कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 2 2 4 2 4 8 16 32 32 2 4 64 इज द आंसर। क्लियर। तो क्यूब रूट ऑफ 2 6 2 1 4 4 इज इक्वल टू 64 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका तो काफ़ी लंबा हमारा है ना, बड़ा हो रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो ये आप प्रैक्टिस जरूर करना, है ना, जितना ज़्यादा हो उतना प्राइम फैक्टराइजेशन, खुद से नंबर लिखो बना या बुक से लेकर बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, सब पार्ट 8 1 5 7 4 6 4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग पहले देख लेते हैं कि किसका ग्रुपिंग कितना बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का एक ग्रुपिंग बन रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 का ग्रुपिंग, ये एक ग्रुपिंग, 3 का ये सेकेंड ग्रुपिंग एंड 3 का ये थर्ड ग्रुपिंग। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक तो 2 का ग्रुपिंग है एंड 3 का 3 ग्रुपिंग है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी क्यूब रूट ऑफ 1 5 7 4 6 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर क्यू, एक 2 का ग्रुपिंग है एंड बचे हुए 3 3 का ग्रुपिंग है, तो 3 का क्यू इंटू 3 क्यू इंटू 3 क्यू। ठीक है, तो इक्वल टू इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 के क्यू में से एक 2 इंटू इन तीनों में से एक एक 3 3 इंटू 3, तो इक्वल टू क्या होगा, इंटू कर लीजिए 2 3 जार 6 6 3 जार 18 18 3 जार 54 इज द आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 इसका कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब नंबर्स थ्रू एस्टीमेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एस्टीमेशन मेथड से हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसे हमें पहले समझना होगा कि एस्टीमेशन मेथड से हम कैसे करते हैं, तो चलिए वो समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए एस्टीमेशन मेथड से क्यूब रूट निकालने का मतलब ही होता है कि आप बिना क्यूब रूट निकाले क्यूब बताना हमें, है ना, दैट मीन्स ये लॉजिकली आपको यूज करने हैं, तो कैसे हम करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप 1 to 9 का क्यूब एकदम रट्टा मार जाओ, ये आपको याद होने ही चाहिए, अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप एस्टिमेशन मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 क्यूब 27 4 का क्यूब 64 5 क्यूब 125 6 क्यूब 216 7 क्यूब 343 8 का क्यूब 512 9 का क्यूब 729। तो ये कम से कम 1 to 9 का क्यूब तो आप रट्टा मार लेना, ठीक है, विदाउट रट्टा मारे आप एस्टीमेशन मेथड से क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एस्टीमेशन मेथड से क्यूब रूट निकालने के लिए हम 4 स्टेप्स का यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनका ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं एंड क्यू है तो क्लियर है कि 3 3 का ग्रुपिंग चाहिए, तो ये राइट हो गया, इधर लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट की ओर 3 3 का ग्रुपिंग बनाएंगे।
तो देखिए ये हमारा फर्स्ट ग्रुपिंग, एंड इधर तो दो ही नंबर है तो ये दो का ही ग्रुपिंग बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या कहलाता है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, एंड ये हमारा सेकेंड ग्रुप हो गया, ठीक है। ये आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले ली हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। तो 19683, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप डिसाइड करता है कि जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो फर्स्ट ग्रुप जो है यही डिसाइड करेगा कि वंस प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, सेकेंड ग्रुप डिसाइड करेगा सेकेंड यानी कि टेंस, वंस टेंस में कौन सा डिजिट हम लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हम क्या चेक करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप 683 है, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है, 3। तो इस 3 को हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि 3 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम 3 कहाँ पे, तो देखिए ये 3 यूनिट प्लेस में आ रहा है, तो क्या ये 343 किस में है, 7 का क्यूब है ना, यूनिट प्लेस में यहाँ 3 है तो यूनिट का ही सिर्फ देखेंगे, इधर का 3 हमें नहीं देखना है, ठीक है। यूनिट प्लेस में यानी वंस में ये 3 है तो 3 किसके साथ आ रहा है, 7 का क्यूब, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वंस प्लेस में 7 लिख लेंगे हम, ठीक है। तो क्यूब रूट का आधा रिजल्ट तो हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे टेंस का देखना हमें। अब सेकेंड ग्रुप डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड ग्रुप में नंबर है 19, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 19 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो देखिए 19 कहाँ आ रहा है, ये 8 एंड ये 27 है ना, 19 कहाँ आएगा, 8 to 27 के बीच में आ रहा है 19, क्लियर। तो इसे हम ऐसे लिख समझ सकते हैं कि 8 हो गया ये, ठीक है, 8 छोटा है 19 से एंड 19 छोटा है ये 27 से, ठीक है, 8 और 19 के बीच, 8 एंड 27 के बीच में 19, तो 8 और 27 के बीच में 19 आ गया, एंड 8 किसका क्यूब है, 2 के पावर क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 19 एंड 27 है 3 का क्यूब, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है अब कि इस दोनों में से 2 होगा या 3, हम किसे लेंगे इस ग्रुप में से, क्यूब में से एक बाहर लेना है हमें, तो हम बड़े को नहीं ले सकते हैं, है ना, 19 से बड़ा है 3 का क्यूब यानी कि 27 बड़ा है, तो बड़े को हमें नहीं लेना है, हम छोटे नंबर्स को लेंगे, तो 19 से छोटा 8 और 8 किसका क्यूब है, 2 का पावर क्यूब है ना, तो एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 के पावर ग्रुप में से ना 2 into 2 into 2, जब इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या होता है, ओनली 2 आ जाता है, तो यही 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 27 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं पहले, जैसे एक नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 8573 75, ये एक नंबर है। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है एस्टिमेशन मेथड से, क्या होगा, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट 3 3 का ग्रुपिंग लेंगे, तो ये फर्स्ट ग्रुप हमारा बन गया एंड ये सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या डिसाइड करता है, यूनिट प्लेस में क्या आएगा, तो पहले फर्स्ट ग्रुप से हम सर्च करेंगे कि क्या नंबर आएगा, तो देखिए एंड में हमारा वंस प्लेस में 5 है, तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे 5 कहाँ आ रहा है हमारा, तो 5 ये रहा, दैट मीन्स 5 का क्यूब, तो ओनली इस 5 क्यूब में से सिर्फ एक 5 हमें चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू इसका क्यूब में क्या लिखेंगे, 5 आ गया। अब इस प्लेस के लिए हमें चाहिए, अब सेकेंड ग्रुप को देखेंगे, सेकेंड ग्रुप में हमें देखना है किस नंबर के बीच में आ रहा है, तो सेकेंड का क्या है, 857। अब यहाँ हम देखेंगे कि 857 किसके किसके बीच में आएगा, तो देखिए यहाँ 5 7 इसके बीच में तो नहीं है, तो 729 एंड 9 क्यूब के बाद 10 का क्यूब ये आ जाता है 1000, तो 857 किसके बीच में है, 729 एंड 1000 के बीच में है, ठीक है। तो बड़ा तो हमें लेना नहीं है, तो हमें छोटा ही लेना, यानी कि हम क्या लेंगे, 9 का क्यूब में से ओनली 9, तो यहाँ हम 9 लिख लेंगे, तो इसका आंसर क्यूब रूट क्या हो जाएगा, जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 857375 इक्वल टू 95, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसे अगर लिख कर समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते, 857 तो हमने कैसे किया, 9 and 10 के बीच में, तो हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब स्मॉलर देन 857 इज स्मॉलर देन 10 का पावर क्यूब, क्लियर। तो हमें हमेशा इसमें ध्यान रखना है, बड़े को नहीं लेना, ये 10 को हम नहीं लेंगे, इससे जो छोटा होगा उसी को लेंगे, तो 9 का क्यूब, तो इसी में से एक 9 हमने यहाँ पे लिख लिया, बस यही एस्टिमेशन मेथड है। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन 2 में, बट आप चूंकि अभी 8th क्लास में हो, ये स्टार्टिंग ही आपका क्यूब रूट इस क्लास में इस तरह से निकालना, तो हमें इसमें स्टेप वाइज देने हैं ना, स्टेप्स भी इसके लिखने हैं कि हमने कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो किया उसके साथ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे स्टेप वाइज लिख सकते हैं। ओके,
तो अब हम स्टेप्स में लिख लेते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, वही हमने लिख लिया, ग्रुपिंग इन थ्री फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि तीन का ग्रुपिंग हमें करना है राइट से लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पे नंबर लिख लिया 19683, ये तीन तीन का ग्रुपिंग ले लेंगे, ये तीन है इधर, दो नंबर बच रहे हैं, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया एंड ये सेकेंड ग्रुप, ठीक है। अब आगे इन फर्स्ट ग्रुप, पहले हम फर्स्ट ग्रुप के लिए काम करेंगे, तो इन फर्स्ट ग्रुप द यूनिट डिजिट इज थ्री, तो देखिए यूनिट डिजिट थ्री है, देयरफॉर द क्यूब रूट विल बी सेवन, है ना, यूनिट डिजिट थ्री है तो क्यूब रूट उसका क्या होगा, सेवन, है ना, यहाँ हमने समझा था अभी। यहाँ पे देखिए इसमें देखेंगे, यहाँ पे इधर हम सर्च करेंगे थ्री कहाँ आ रहा है, तो थ्री यहाँ पे है, तो थ्री का क्यूब रूट क्या जाएगा, सेवन, है ना, तो यूनिट डिजिट विल बी सेवन आ गया। एंड इन द सेकेंड ग्रुप, अब हम फर्स्ट ग्रुप का तो काम हो गया, अब हम सेकेंड ग्रुप 19 को लेंगे, तो 19 देखेंगे कि किसके किसके बीच में आता है, तो 19 हमने यहाँ पे देखा था कि 19 आता है 8 एंड 27 के बीच में, 8 का 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, तो वही मैंने लिख लिया 19 लाइज बिटवीन 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, तो देयरफॉर 8, 2 का क्यूब 8 होता है, इज स्मॉलर देन 19, ये 19 यहाँ लिख लिया हमने, एंड 3 का क्यूब 27, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 2 का क्यू स्मॉलर देन 19 इज स्मॉलर देन 3 का क्यू, क्लियर। इसलिए टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब विल बी 2, क्यों 2 होगा, क्योंकि हम छोटे को लेते हैं, बड़े को नहीं ले सकते, है ना, तो 2 पर पावर क्यू 19 से छोटा एंड 3 का पावर क्यू 19 से बड़ा, देखो 27 19 से बड़ा है, तो हमें छोटे को लेना है, तो छोटा 8 है एंड 8 का क्यूब क्या है, 2 पर पावर क्यू, तो ओनली हम इसमें से इस ग्रुप में से क्या लेते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो एक बाहर आता है ग्रुप में से, तो वो हमने 2 लिख लिया। तो टेंस डिजिट जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो टेंस में 2 लिखेंगे, वंस में हमारा 7 आया है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 19683 इज इक्वल टू 27 इज द आंसर, ये 2 यहाँ आ गया टेंस प्लेस में जो लिखा हमने, एंड 7 ये वाला जो यहाँ पे निकाला, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज 59319, तो अब इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि कैसे स्टेप वाइज हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्रुपिंग करेंगे, तो हम लिख लेंगे ग्रुपिंग इन थ्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट से हमेशा लेफ्ट की ओर ग्रुपिंग करते हैं, तो जैसे ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो ये राइट हो गया, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे 319 आ रहा है फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं, तो लिखेंगे इन फर्स्ट ग्रुप, यूनिट प्लेस क्या है फर्स्ट ग्रुप में, 9 है, तो वही लिख लेंगे, द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट लिखिए ना, यूनिट डिजिट इज 9, देयरफॉर क्यूब रूट इसका क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे द क्यूब रूट विल बी क्या होगा, आप देखिए 9 आ गया, तो यहाँ हम सर्च करेंगे कि 9 कहाँ आ रहा है, ठीक है, तो 9 देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, है ना, 9 का क्यूब इज 9, देन हमारा आंसर क्या आएगा, 9, 9 के क्यूब में से एक 9 ले लेंगे, तो द क्यूब रूट विल बी 9 का, यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 आ गया, क्लियर। अब हम सेकेंड ग्रुप में देखेंगे, तो लिख लेते हैं इन एंड इन सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप है 59, ठीक है, तो लिखेंगे 59 लाइज बिटवीन, अब 59 किस किस नंबर के बीच में वो देखना है, हमें ढूंढना है, तो इसमें देखेंगे 56 कहाँ पे आएगा, नहीं 59 है ना, यहाँ 59 लिखेंगे, ठीक है, तो 59 कहाँ पे आएगा, इसमें हमें सर्च करना है 59 किस किस नंबर के बीच में आएगा, तो यहाँ पे देखिए 27 ये 64, तो 59 तो इसी के बीच में आएगा, 27 एंड 64 के बीच में, तो क्या रहा हमारा, 27 है 3 का क्यूब एंड 64 4 का क्यूब, तो यही हम लिख लेंगे, लाइज बिटवीन 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब, इनके बीच में है, तो देयरफॉर 3 का क्यूब इज स्मॉलर देन 59 स्मॉलर है 4 के क्यूब से, कैसे वो आप समझ लीजिए, 4 का क्यूब, ठीक है, देखिए 59 यहाँ पे 27 64 के बीच में, तो 27 से तो बड़ा है 59,
बट 64 से छोटा है, यानी कि 4 के क्यूब से छोटा है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। क्लियर? तो देयरफॉर टेंस डिजिट क्या हो जाएगा हमारा क्यूब में, टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब, जो क्यूब निकालेंगे उसके टेंस डिजिट में क्या हो जाएगा, विल बी, क्या लेंगे हम, छोटे को लेना है, 4 को नहीं ले सकते हैं, तो हम किसे लेंगे, 3, 3 के पावर क्यूब में से 3 आ जाएगा बाहर, तो 3। ठीक है, तो वंस डिजिट में 9 एंड टेंस डिजिट में 3। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 59319 इज इक्वल टू, टेंस के लिए 3, तो 3 टेंस में आ गया, एंड वंस के लिए आया 9, तो 39 इज द आंसर। सब पार्ट 3 इज 85184। तो सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग कर लेंगे, तो वो कर लेते हैं। तो देखिए, ये एक फर्स्ट ग्रुप हो गया एंड सेकेंड ग्रुप में हमारा 85 बच रहा है ना। राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 3 3 की ग्रुपिंग, तो 3 का ग्रुपिंग लिया, इधर 2 बच रहा है नंबर, तो 85 का ले लेंगे। क्लियर? तो वही लिख लेंगे हम, ग्रुपिंग इन 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट से लेफ्ट 3 3 का ग्रुपिंग लेना है। अब हम फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे, तो फर्स्ट ग्रुप है 184, इसे फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं। तो लिखेंगे इन फर्स्ट ग्रुप द यूनिट डिजिट इज 4। अब देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट में 4 है, ठीक है, तो उसके बाद हम 4 यूनिट डिजिट है, तो क्यूब रूट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप में यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ क्यूब रूट जो है, इसमें हम ग्रुपिंग देखेंगे कि 4 कहाँ आ रहा है, 1 to 9 के बीच में देखेंगे 4 कहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे 4 है, तो 4 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 4 ही होगा इसका क्यूब, तो वही हम लिख लेंगे, देयरफॉर द क्यूब रूट फॉर वंस प्लेस इज 4। ठीक है, वंस प्लेस के लिए हमने निकाल लिया, फर्स्ट ग्रुप में वंस प्लेस का निकलता है, ये हमेशा आप ध्यान में रखना है। सेकेंड ग्रुप का जब निकालेंगे तो वो टेंस प्लेस के लिए होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे इन सेकेंड ग्रुप, अब सेकेंड ग्रुप 85 है, तो 85 लाइज बिटवीन 4 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर क्यूब, है ना। तो चेक करेंगे पहले हम यहाँ पे कि 85 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो देखिए नंबर्स में हम देखेंगे कि 85 कहाँ आ रहा है, देखिए 64 एंड 125, तो इन दोनों के बीच में ही 85 आ रहा है कहीं पे। ठीक है, तो 4 का पावर क्यू एंड 5 का पावर क्यू के बीच में 84 है। ठीक है, और 84 यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब कि 5 का पावर क्यू ये तो बड़ा ही है। ठीक है, तो वही लिख लेंगे हमने, 85 लाइज बिटवीन 4 के पावर क्यू इंटू सॉरी एंड 5 का पावर क्यू, देयरफॉर 4 का पावर क्यू इज स्मॉलर देन 85 इज स्मॉलर देन 5 का पावर क्यूब। ठीक है, तो बड़े को तो हमें लेना नहीं है, छोटे को लेना है, तो 85 से छोटा 4 का क्यूब है, तो वही हम लिख लेंगे, देयरफॉर टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब, है ना, क्यूब के लिए टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, 4, 4 के पावर क्यूब में से 1 4 आ गया, तो टेंस डिजिट में 4, वंस डिजिट के लिए 4, यानी कि 44, तो वही आंसर हो गया। हेंस क्यूब रूट ऑफ 85184 इज इक्वल टू 44 इज द आंसर। क्लियर? नाउ सब पार्ट 4 इज 148877। तो यहाँ भी राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग बना लेते हैं, तो ये ग्रुप, ये हमारा सेकेंड ग्रुप। ठीक है, तो अब हम क्या लिख लेंगे, ग्रुपिंग इन 3 इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हमने ग्रुपिंग कर लिया, ये फर्स्ट ग्रुप है 877, तो वंस डिजिट में क्या है, 7 है, तो 7 के अनुसार हमें देखना है, तो फर्स्ट लिख लेंगे इन फर्स्ट ग्रुप द यूनिट डिजिट इज 7। अब हम इसमें क्यूब में देखेंगे कि 7 किसके साथ आ रहा है, तो देखिए 7 यहाँ पे है, तो ये 3 के क्यूब में, दूसरे कहीं भी 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 7 कहाँ आ रहा है, 3 के क्यूब में, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 यूनिट प्लेस में, तो यही लिख लेंगे, द क्यूब रूट फॉर वंस इज इक्वल टू 3, वंस प्लेस के लिए हमारा क्यूब रूट क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इन सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप है 148, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि 148 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो देखिए 148 कहाँ आएगा, ये 125 एंड 216, इनके बीच में 148 आ रहा है, यानी कि 5 का क्यूब एंड 6 का क्यूब। ठीक है, तो 125 से बड़ा है 148 एंड 216 से छोटा है। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया, 148 लाइज बिटवीन 5 के क्यू एंड 6 का क्यू, देयरफॉर 5 का क्यू लेस देन 148 एंड 148 छोटा है 6 के क्यू से, देयरफॉर टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 5, वंस में 3, टेंस के लिए 5, क्या हो गया हमारा 53 बन गया, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 148877 इज इक्वल टू 53 इज द आंसर। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।